जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है, जैसा कि इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर के बारे में, लगभग टोटल हम लोगों ने 6 चैप्टर के बारे में एक एक करके एक एक वीडियो में सीरियल वाइज से हम लोगों ने पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 2 प्रश्न या 1 प्रश्न एग्जाम में लॉन्ग एवं शॉर्ट दोनों से फंसते हैं। यानी कि यह एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस चैप्टर से कौन सा सवाल बन सकता है? केवल यदि आप 7 चैप्टर तक पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा खासा नंबर यानी बहुत अच्छा खासा परसेंटेज आप गेन कर लेते हैं। तो आइए मेरे दोस्त मित्र यार, हम स्टार्ट करते हैं सबसे चैप्टर नंबर 7, समाकलन के उपयोग होता क्या है, इसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये होता क्या है, इन सब के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट इससे क्या होते हैं भाई, दूर भागते हैं कि यह सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं समझ में आती। लेकिन आज हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो से, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप भी इसको सीखे, बिल्कुल जीरो से सीखे और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्लियर करते चलो, क्योंकि यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा। सबसे आसान चैप्टर है, इसमें घबराने की बात, इसमें जैसे डाउट वाले क्वेश्चन नहीं बनते, बिल्कुल सिंपल होता है, कि सिंपल सिंपल आपके एग्जाम में भी आता है। तो मेरे दोस्त मित्र यार, हम स्टार्ट करते हैं समाकलन का अनुप्रयोग होता क्या है, इन सब के बारे में। इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि समाकलन के अनुप्रयोग मतलब समाकलन का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं समाकलन का जो उपयोग होता है, इसको हम दोस्तों उपयोग करते हैं क्षेत्रफल के रूप में, यानी कि एरिया निकालने के लिए, किसी भी आकृति का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं समाकलन के, कि किसका मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हमको देखना है कि हमको यदि गोला हो, परवलय हो, वृत्त हो, अतिवृत्त हो, अति परवलय हो, तो इन सब का, या कोई एक रेखा हो या दो रेखा हो, तो इन सब का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, किस विधि के द्वारा निकालोगे। मैं कह दूं क्या आपको अभी तक कोई ऐसा फार्मूला मिला कि आप इसका क्षेत्रफल निकाल दो? ऐसा कोई मिला? आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, आज हम ऐसे ऐसे क्षेत्रफल आपको निकालना सिखाएंगे जिसका क्षेत्रफल आज तक आप लोगों ने नहीं निकाला है। तो आइए सभी लोग आ जाइए, जिसको भी आपके दोस्त मित्र यार सभी को एक बार फोन करके कॉल करके बुला लो भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं समाकलन का अनुप्रयोग, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जहां से मैं बता रहा हूँ, वहां से अपनी पेन कॉपी लेकर नोट करते रहो। तो सबसे पहले हम कुछ ग्राफ के बारे में जानेंगे, जो ग्राफ है उसके बारे में। बिना ग्राफ का आप सवाल नहीं लगा सकते हो, आपके एग्जाम में कभी भी ग्राफ बनाकर नहीं देता है। केवल आपके एग्जाम में क्या देता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा रहता है और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपने माइंड में सोचना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे बनेगा। तो ग्राफ याद होना यह जरूरी है कि यह ग्राफ इसका कैसे होता है। जैसे मैं आपसे यदि कह दूं कि मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर का, क्या ध्यान से समझना कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, तो आप क्या कहोगे, आप सोचने लगोगे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। तो यही कंडीशन है, यही सारा चीज है कि आपको एग्जाम में कहेगा कि एक्स स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फिर आप क्या करोगे, आप फंस जाओगे। इसलिए मैं जो ग्राफ बता रहा हूं, पहले उस ग्राफ को आप नोट कर लो। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है मेरे दोस्त, इस तरीके से होता है। एक किसका ग्राफ है, ए है एक्स स्क्वायर का, यहां पर एक्स होता है, यहां पर वाई होता है। जब एक्स स्क्वायर कहे तो इस तरीके से, अगर आपसे कह दे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का ग्राफ समझो। अच्छा ध्यान से समझना, वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, वाई स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ए है एक्स, ए है वाई। पहले अभी सबको आप नोट करते चलो, केवल आप ग्राफ के बारे में भी देखते चलो, फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी बहुत सारे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करके एक एक करके बनाओ। आगे आता है, अगला आता है वृत्त, वृत्त। तो जो वृत्त का समीकरण होता है, पहले उसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक किसका समीकरण होता है, ए होता है वृत्त का समीकरण। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ग्राफ देख लो इसका। चलो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ए हो गया एक्स, ए हो गया वाई, यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी होती है मेरे दोस्त, उसको हम कहते हैं, इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है, ए कामा जीरो होता है। क्या होता है, ए कामा जीरो, इधर होता है माइनस ए कामा जीरो, समझ गए। चलो ए हो गया वृत्त का, अगला आता है परवलय, परवलय
परवल है कि बहुत सारे टाइप आते हैं, एक होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक होता है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो इसका आप ध्यान देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax का जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल वाई स्क्वायर का ही ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ पर एक निर्देशांक होता है a, 0, जिसको हम कहते हैं नाभिलंब। ये क्या है हमारा मेरे दोस्त, ये है नाभिलंब, नाभिलंब जीवा कह लो, नाभिलंब जीवा। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है और यहाँ पर इसका निर्देशांक होता है 0, a, इसका क्या होता है निर्देशांक 0, a। इतना आप नोट कर लो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये सारी चीज़ें नोट कर लो। क्या क्या नोट करना है पहले ध्यान से देख लो कि आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पर दिख गया, वाई स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पर दिख गया, और उसके बाद कौन सा ग्राफ दिखा, और उसके बाद आपको ये दिख गया वृत्त का दिख गया, फिर परवलय का दिख गया, और यहाँ पर परवलय में वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ए क्या है, ए परवलय का समीकरण है, ए क्या है, ये है वृत्त का समीकरण, ए भी है परवलय का समीकरण, ये सभी परवलय के समीकरण हैं, पैराबोलिक जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गया। आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, तो प्रश्न को लेकर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इन सभी चीजों को नोट कर लें, इसको आप नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं प्रश्न के बारे में बात करता हूं कि प्रश्न किस टाइप के एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए मेरे बात को, और प्रश्न मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, क्या मेरे दोस्त, प्रश्न लिखने का प्रयास करता हूँ कि परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, देखो दिया गया है, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न आएगा कि परवल है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसको आप नोट करें। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में कि y स्क्वायर बराबर 4ax तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और कुछ भी नहीं दिया रहेगा, और 5 नंबर में इसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आपके पेपर पे दिख जाएगा। उस समय आप अगर नहीं पढ़े हो तो भाई साहब पसीना फेंक दोगे, लेकिन ध्यान देना अगर आप पढ़े हो तो बिल्कुल आसान, 2 मिनट का प्रश्न हल हो जाता है। सबसे पहले क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया गया है, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर का हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, किसका, वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 4ax, तो हम बना लेते हैं वाई स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वाई स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, यही बन गया वाई स्क्वायर का ग्राफ। चलो और क्या कहा है, और कहा है कि एक्स बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ए हम जानते हैं, ए हमारा एक्स होता है, ए हमारा वाई होता है, ए आपको पता है, एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स बराबर 4 दिया गया है, क्या दिया गया मेरे दोस्त, एक्स बराबर 4, तो हम मान लेते हैं इधर ही कहीं पॉइंट एक्स बराबर ये 4 है, क्या है, माना यहां पर 1 है, यहां 2, यहां 3, यहां 4 है, तो हमने मान लिया एक्स बराबर 4 यहां मिला, यानी कि अगर यहां पर एक्स बराबर 4 है तो वाई क्या होगा, 0 होगा, एक्स अक्ष पे एक्स का मान लिखा जाता है, वाई का मान 0 लिया जाता है। कहा एक्स बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब x बराबर 4 से इसको घेर दो, क्या, घिरे क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र को क्या कर दो, जो x बराबर 4 है उनसे सभी क्षेत्र को क्या कर दो मेरे दोस्त, घेर दो, अच्छा घेर दिया, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखो ध्यान समझ लो, इसका अब आपको ए 4 है, अब इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज और समझना है कि यह जितना ऊपर है, जितना ऊपर आपका क्षेत्रफल है इतना पूरा,
उतना ही क्षेत्रफल ए वाला है, उतना ही क्षेत्रफल नीचे वाला है। यानी कि यदि हम ऊपर वाला निकाल के उसमें दो से गुणा कर दे तो हमारा नीचे वाला भी निकल जाता है, नहीं तो इतना अलग निकालो, इतना अलग निकालो, फिर निकाल के आपस में जोड़ो तो दिक्कत हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऊपर का क्षेत्रफल इतने पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इतने पूरे का क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद क्या कर देते हैं, निकालने के बाद उसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर दे निकालने के बाद उसमें दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो, तो हम क्या करते हैं इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी नाम दे देते हैं। तो जब भी एक्स एच पे है तो एक्स एच के लिए हम क्या पहले लिखते हैं, हम लिखते हैं, देखो हम क्या लिखते हैं कि अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। जब भी हम एक्स एच पे लेते हैं तो हम वाई का मान लिखते हैं, यानी कि अभीष्ट क्षेत्रफल आप समझो कहां से कहां तक निकालना है, जीरो से लेकर चार तक, मतलब लोअर लिमिट जीरो होगी और अपर लिमिट चार, जहां से लेकर मतलब मूल बिंदु से लेकर जिस पॉइंट तक निकालना हो उस पॉइंट तक हम लिमिट को रखते हैं। मूल बिंदु का जो लिमिट होता है वो लोअर लिमिट होता है, और जिस पॉइंट तक हम निकालते हैं वह पॉइंट हमारा अपर लिमिट होता है। तो आपको जीरो से चार तक मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको क्षेत्रफल यह चाहिए। और अगर एक्स एच पे है तो हम वाई लिखेंगे, एक बार फिर से समझ लो, अगर एक्स एच पे है तो हम वाई लिखते हैं, अगर वाई एच पे होता तो हम एक्स लिखते, उल्टा चलता है, एक्स एच पे है तो वाई लिखेंगे, वाई एच पे यही होता तो एक्स लिखते हैं, लेकिन एक्स एच पे है तो हम एक्स डी एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। फिर से समझना, एक्स एच पे है तो डी एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, लेकिन हम डी एक्स के बगल में क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। वाई एच पे होता तो हम डी वाई लिखते, बगल में एक्स लिखते। आइए मैं समझाता हूं उसके बाद। अब आपको क्या करना है, y का मान आपको कैसे मिलेगा, तो मेरे दोस्त y का मान, ये देखो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, यहां पर लिख लेंगे y स्क्वायर बराबर 4ax का। तो जो y का मान निकालोगे अगर आप यहां से, तो देखो y बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 4ax, और इसको आप चाहो तो 2 अंडर रूट a अंडर रूट x लिख सकते हो, क्योंकि चार बाहर आ जाएगा, फिर अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या यहां से लिखते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, जैसे यहां से हम लिखेंगे जीरो से चार, वाई का मान क्या है, टू अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स इंटू बगल में डी एक्स। सो दोस्तों आपने देख लिया, उसके बाद क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है जैसे टू और ए, इतना पूरा 2 अंडर रूट ए एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हमने बाहर कर लिया और 0 से 4 हो गया, और यहाँ पर बचा x के पावर 1/2, अंडर रूट को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये हो गया dx। यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, x के पावर 1/2 का समाकलन क्या होता है, इसमें x जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 3/2 और अपान में 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 है। अब इसको जब आप सही से हल करते हो तो देखो 2 अंडर रूट ए होता है, और ये 3/2 कहाँ जाता है, ये 2 चला जाता है सबसे ऊपर, 2 यही रहना जाता है, 2 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे ही रहता है, 3/2 नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, और यहाँ पर क्या बचा है कोष्टक में अपा, एक्स के पावर 3/2, तो एक बार रखेंगे अपर लिमिट तो 4 के पावर 3/2, फिर माइनस का लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाता है, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर आप देखो ध्यान से समझो मेरी बात को गौर से समझो, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 मिलके हो जाता है 4/3 अंडर रूट ए हो जाता है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इस 4 को आप 2 के पावर 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, देखो इस 4 को 2 के पावर 2 लिख दो और इस टोटल के पावर क्या है, 3/2 है, या 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और बराबर क्या मिल जाता है, 4/3 अंडर रूट ए, और यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल इंटू 2 के पावर क्या बचा है, 3 बचा है, तो आपका हो जाएगा 4/3 अंडर रूट का ए, और 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो ए मिलके दोनों क्या मिल जाएंगे, 8 चौक 32 अंडर रूट ए और बटे में
3 और फाइनल आंसर आपके सामने हो जाता है। तो इस प्रकार से जब भी आता है तो आप निकाल लीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई, ये समझ लो क्या। तो यही ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसको आप हल करेंगे। इसको आप देखो पहले, क्या मेरे दोस्त, इसको आप देखो और लगाओ। चलिए बताइए, क्लियर है सबको? बताओ भाई, क्लियर है? एक बात और समझो, अभी तक हमने क्या देखा, यह किसका क्षेत्रफल लिखा, यह केवल इतने भाग का क्षेत्रफल निकला। कितने भाग का? इतने ऊपर वाले का क्षेत्रफल हमने निकाला। किसका मेरे दोस्त? केवल हमने ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाला। यदि आपको यह पूरा क्षेत्रफल चाहिए तो इतना निकल गया ना। अब इतने में अगर जो क्षेत्रफल निकला है उतने में यदि या जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो जो 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 क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसके आगे यदि हम दो से मल्टीप्लाई कर दे तो यह ऊपर वाला भी हमारा निकल जाएगा और यह नीचे वाला भी निकल जाएगा। यानी कि केवल दो से मल्टीप्लाई करोगे तो यह ऊपर वाला और नीचे वाला, एक्सएस के ऊपर एक्सएस के नीचे दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आपसे कहा है कि जितना घिरा हुआ है, ये नहीं कहा केवल ऊपर का ज्ञात करो, वह कहा है कि एक्स बराबर चार से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो एक्स बराबर चार से ऊपर भी घिरा है और नीचे भी घिरा है, तो नीचे जब घिरा है तो दोनों घिरा है, तो इसलिए हम आगे क्या करते हैं, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे क्या कर देंगे? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जैसे ही दो से मल्टीप्लाई करते जाते हो और फाइनल में आपको क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है फाइनल में? फाइनल में यहां भी दो से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि चलो आप चाहो तो यहां से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मिल जाएगा 64 बटे का 3 और अंडर रूट ए वर्ग इकाई। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, मतलब मैं आपको समझाने के लिए किया हूं कि एक का निकालना है, यदि केवल कहा कि एक्स एच के ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो आप दो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, लेकिन यदि कहा कि एक्स एच के ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल निकालो तो आप दो से मल्टीप्लाई करो। यदि कुछ भी नहीं कहा तब पर भी आप दोनों ज्ञात करोगे। समझ गए? चलिए बताइए, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इतनी बात मैंने जितना बताया आपको क्लियर है कि नहीं? यदि यह क्लियर है तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलूंगा और अगला प्रश्न बताऊंगा कि और भी क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो। क्षेत्रफल निकालना बहुत जरूरी है। चलिए बताइए, बोलो भाई। हो गया क्लियर? चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, किस तरीके से और भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्न को हम एक एक करके हल करेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहा है कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इतना ही कहा है और कुछ भी नहीं दिया गया है, और आया है दो नंबर का आता है, कभी कभी अगर नसीब ठीक रहती है तो पांच नंबर में भी दे देता है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है ना, तो हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ मैंने आपको अभी अभी बताया हूं, इसका ग्राफ अभी मैंने बताया भाई, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो यहां पर हम इसका ग्राफ बना देते हैं, ये हो गया इसका ग्राफ, यही है इसका ग्राफ। तो ग्राफ आपका यही है, किसका है, ये है वृत्त, ये किसका समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये वृत्त का समीकरण है, और यहां पर लिख देते हैं ऐसे तीर लगाकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहां पर क्या है, ए इक्वल टू आपकी है त्रिज्या,
इज इक्वल टू क्या है, त्रिज्या है। मतलब कि ए अगर इसका एक केंद्र बिंदु ओ है, केंद्र बिंदु ओ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ए कामा जीरो, मतलब यह इसकी क्या है, त्रिज्या है। और कहा है कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है ए आपको जितना आपका वृत्त है उससे सभी क्षेत्रफल ज्ञात करे, आपको सभी जितना भी घिरा हुआ है सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कहा है कि चारों, ये चार खाना दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों खाने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप चारों खाने का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो चारों खाने का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास होते हैं, अगर हम एक का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल निकाल लें, इसका नाम दे दो ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, हम कह दें कि मेरे दोस्त मैं इतने का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, मैं क्या करता हूं इतने का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, और इतने का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें चार से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि चार खाने हैं, तो अगर हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक का निकाल के चार से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरे दोस्त, एक का क्षेत्रफल इसका निकाला, एक का क्षेत्रफल निकालो इसका, चलो इसको रंग देते हैं थोड़ा सा, जैसे मालूम चले कि हम लोग इसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, चलो इसी का देखो हम लोग हरे वाले का क्षेत्रफल, केवल एक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब निकाल लिया हमने, निकालने के बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा इसको समझो, चार खाने हैं तो पहले चार लिख लो, चार से मल्टीप्लाई कर दो, सबका क्षेत्रफल निकाल लें एक साथ में, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर ए तक है, तो यहां पर लिखते हैं जीरो, यहां लिखते हैं ए, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर ए तक लिखते हैं। चलिए सर मैं थोड़ा और, क्या कह रहे हो भाई, चलो ना, तो ये हो गया, ये हो गया जीरो से ए। अब आपको क्या देखना है, अब आपको यह देखना है कि अब जीरो से ये हो गया, जब हम एक्स अक्ष पे निकालते हैं तो यक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए आप क्या लिखते हो, एक्स अक्ष के लिए आप वाई लिखते हो। फिर से समझ लो कि जब हम हमेशा क्षेत्रफल, किसी भी का क्षेत्रफल निकालो, किसी भी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना हो, हमेशा एक्स अक्ष से निकालने का प्रयास करना, तो जब भी आप एक्स अक्ष के लिए देखो तो हमेशा वाई लिखना, और बगल में क्या लिखते हो, डी एक्स लिखते हो, समझ गए मेरी बात। उसके बाद आप क्या करते हो, यहां पर चार आता है मेरे दोस्त, फिर उसके बाद यहां पर जीरो, यहां पर ए हो जाता है। जीरो से ए क्यों है, क्योंकि जीरो से लेकर ए तक, यहां तक की लिमिट है, यहां तक का, इसके ऊपर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब यहां पर वाई, वाई कहां से मिलेगा, जो वृत्त का समीकरण दिया गया है वाई वहां से निकाल लो, वृत्त का समीकरण यहां दिया गया है, यहां से वाई स्क्वायर बराबर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी हां मिलेगा। यदि आप केवल वाई का मान निकालते हो तो, केवल यदि वाई का मान निकालते हो तो वाई बराबर आपको मिलता है ए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर हटेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे, तो यानी कि आपको यहां क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और बगल में क्या मिल जाता है, डी एक्स मिल जाता है। बिल्कुल बेसिक से है, आप देखना चाहोगे इस प्रकार से आपको क्या हो गया, बस अब इसको हल करना है, हल करके जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा, केवल ज्यादा दिमाग आपको यहां लगाना है, स्मार्ट वर्क यहां पर करना है कि इसका क्षेत्रफल ये किस ढंग से ग्राफ बनेगा और किस ढंग से आप इस क्षेत्रफल को ज्ञात करोगे, यह तरीका मालूम होना चाहिए, और यदि यह तरीका मालूम है तो आप इस सवाल को हल कर ले जाओगे। इसमें पेशेंस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है।
आप 2-3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए, मैं वादे के साथ कर रहा हूं आप इसको लगा लोगे। कोई भी चीज मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ भाई अभी आपका रिजल्ट आएगा आपको कुछ पता होगा, लेकिन इसमें मैं बात करूं जब आपको यहां 0 से a दिखा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx दिखा, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिखता है, इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला बनता है? अगर आपको यहां पर फार्मूले नहीं पता है तो फिर आप आगे कैसे कर पाओगे? बेसिक चीज यहां पर यह है कि आप सवाल लगाने से पहले आप फार्मूले याद करो। फार्मूले क्या है? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने फार्मूले इसके पहले मैंने एक वीडियो में विशिष्ट समाकलन चैप्टर नंबर 5 में फार्मूले एक एक करके मैंने बताया हुआ था। यह फार्मूला क्या होता, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं फार्मूला क्या, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बाय 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर बाय 2 होता है, ए स्क्वायर बाय 2 होता है और साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं लेकिन निश्चित समाकलन में नहीं जोड़ते हैं, ये फार्मूला लिखवाया हुआ था। तो हम यहां पर लिखते हैं ये 4 रहने दो आगे, अब इसके स्थान पे लिखते हैं एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a है। लिमिट कहां से कहां तक है मेरे दोस्त, 0 से a है। चलिए क्लास की टाइमिंग 8 बजे रिकॉर्डेड क्लास, नहीं भाई रिकॉर्डेड कौन कर रहा है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, आप कृपया टेंशन है कौन कर रहा है भाई रिकॉर्डेड है। चलिए चंदन आप ऐसा ना सोचे कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देता हूं तो समय आपका, मैं ये नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो, मैं चैट पढ़ने में यदि मैं समय नुकसान करूंगा तो फिर आपको कुछ मतलब नहीं निकले ना। कोई चीज़ें पूछने होती है तो आप डायरेक्ट पूछ लिया करो, आप पूछोगे मैं बता दूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे वैसे कमेंट करते हो तो फिर वैसा कमेंट पढ़ने में समय का मतलब दुरुपयोग होता है, तो समय का सदुपयोग करें, जहाँ पर आपको आपका समय जहाँ अच्छे ढंग से यूज हो पाए तो वहाँ यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए अब यहाँ पर ये हो गया, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अब देखो फार्मूले लिखा था, यही फार्मूला यहाँ लिख दिया, तो मैं इस फार्मूले को इरेज कर देता हूँ, ये आप ना करिए, मैं फार्मूले को इरेज, आपको फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आप समझिए कि भाई साहब आप मैथ 2 में पास हो जाए ये संभव नहीं है, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ, आप समाकलन समाकलन का अनुप्रयोग आप नहीं सीखे हो, आप पास हो जाओ ये संभव नहीं है, असलियत बता रहा हूँ, अगर भरोसा ना हो आपको खुद पता होगा कि आपका रिजल्ट मैथ 1 का क्या रहा है ना, क्या रहा है, किस तरीके से आपका रिजल्ट रहा है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जिसका बैकग्राउंड मैं बता दूं, मैथ 2 मैथ 3 आगे जैसे बढ़ते जाओगे ना तो मैथ का लेवल बढ़ता जाता है और रिजल्ट क्या होते कम होते जाते हैं, तो असलियत यही है, अगर समाकलन और समाकलन का अनुप्रयोग आपने नहीं पढ़ा है तो आप मान के चलिए कि 80% आप क्या है पीछे है, आप नहीं कर पाओगे, मैथ 2 आप छोड़ दो, आप भरोसा वहां से उठा दो, ये बिल्कुल 100% सही बात है, इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ लो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको समाकलन समाकलन का उपयोग पढ़ना है, यही पढ़ के जाओ ये पास हो जाओगे, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन आप इसको नहीं पढ़ के जाओगे तो आप पास हो जाओ ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो असलियत यही है कि आप समाकलन समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ लो तो बहुत बेहतर रहेगा, यदि आप इसको नहीं पढ़ते तो आने वाला चैप्टर आपको खुद पता होगा किस ढंग से होता है, किस तरीके से आप, यह सबसे आसान चैप्टर होता है, आने वाला जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो सारी चीजें हार्ड हो जाती है, 5 नंबर 2 नंबर के प्रश्न यहीं से बनते हैं, 1 नंबर के भी आगे सभी प्रश्न 5-5 नंबर के बनते हैं और हार्ड हार्ड प्रश्न होते हैं, उसमें आप क्या हो जाते हैं भाई साहब माइंड खराब हो जाता है, तो असलियत यही है आप जानते रहिए, समझ रहे हो, क्लास की टाइमिंग 7 बजे से है, क्लास की टाइमिंग 7 बजे से है ये जानते रहे, शाम 7 बजे, देखो जो बता रहा हूँ आपको अच्छा लगे या बुरा लेकिन जो असलियत में वो आप आपके सामने रख रहा हो, क्योंकि रिजल्ट जिस ढंग से आता है ना तो उस समय सब कहते हैं सर क्या पढ़ाए हुए थे, तो यही सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आप देखो क्या रखोगे, 4 जीरो से ए है, अब 0 से a का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले अब 0 है तो मतलब आप एक्स के स्थान पे जब 0 रखोगे तो आप कहीं भी 0 रखोगे सारा टर्म 0 हो जाता है, तो हम 0 को छोड़ देते हैं, हम मेरे दोस्त क्या रखते हैं, हम केवल a की वैल्यू रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां a रख दो,
अगर हम यहां पर ए रखेंगे, यहां पर ए रखेंगे, तो यहां ये स्क्वायर है, माइनस का ए रखेंगे एक्स के स्थान पे, तो ए भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इतना पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो समझ गए, इतना पूरा टर्म क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ए पूरा यहां से लेकर यहां तक जीरो हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहां पर आपको हो गया जीरो, फिर प्लस हो गया, ए स्क्वायर बाई टू है तो ए स्क्वायर बाई टू रख लो, साइन इनवर्स है तो रखने दो, एक्स के स्थान पे ए रखना है तो ए अपान में ए हो गया, ए हो गया। ए का मतलब अपर लिमिट का मतलब जहां जहां यक्स है वहां वहां आपको ए रखना है, तो आपने क्या लिया, एक्स के स्थान पे ए रख दिया। अब यहां पर फोर हो गया इंटू ए स्क्वायर बाई टू है, ए स्क्वायर बाई टू रहने दो, ए कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स का वन बचेगा। अब ये देखो काट देंगे तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू साइन इनवर्स वन किसकी वैल्यू है, वन वैल्यू है भाई, पाई बाई टू की वैल्यू है। अब टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा पाई ए स्क्वायर या ए स्क्वायर पाई, आप ऐसे भी कह सकते हो, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। चलो तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे क्षेत्रफल आप निकालोगे क्या मेरे दोस्त, ऐसे ही क्षेत्रफल आप निकालोगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, समझ में आया कि नहीं सबको। चलिए, हेलो सर, और चार सब्जेक्ट का टाइम क्या है? देखो भाई, अगर आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपको टोटल सब्जेक्ट आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी पावर पॉइंट ऐप से आप क्या कर सकते हो, बहुत एक अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर आपको सारे वीडियो, सभी चीज़ें, एक एक प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं, सारी चीज़ें, यानी कि मैथ हो, मैथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कोई भी सेमेस्टर हो आपका, पहला सेमेस्टर, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, कोई भी सेमेस्टर हो, सभी के लिए, खासकर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बीएमसी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, इन सभी की क्लास ऐप पे, स्टडी पावर पॉइंट ऐप पे आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, और बहुत ही कम रेंज में। तो आप चाहो तो वहाँ पर स्टडी पावर पॉइंट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और एक अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। हम आपके लिए मैथ में सबसे ज़्यादा बैक होता है, तो मैंने सोचा मैं आपको बिल्कुल फ्री मैथ की क्लास मात्र 20 दिनों में कंप्लीट करके दे दूंगा। तो ये मैंने अपने आपके लिए केवल सोचा हूँ कि इस बार कम से कम मैथ का रिजल्ट बेहतर आ जाए। सब में लोग पास हो जाते हैं, मैथ में पीछे रह जाते हैं, क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि आज जो संख्याएँ 10 पढ़ रही हैं तो 10% ही तो लोग पास होंगे। पूरे यूपी में देखा जाए लगभग 7-8% रिजल्ट आया है मैथ का। क्या रीजन है? क्योंकि वही पढ़ने वाले स्टूडेंट है। एग्जाम के समय पढ़ के कोई महारत नहीं बन सकता। जो सोचता मैं एग्जाम के समय पढ़ लूं, भाई ऐसी भूल ना हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सारी चीजें देखो मैंने बताया, ये आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं चलूंगा आगे, बताऊंगा क्या क्या चीजें और हैं और किस तरीके से और भी सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या मेरे दोस्त, और किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं? चलो अब एक प्रश्न आता है, देखो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और इज इक्वल टू वन, यही दिया गया है, बहुत बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया। अच्छा, ए के स्थान पे वन दिया गया है, क्या दिया गया है, वन दिया गया है, यहाँ पर वन दिया गया है। अच्छा सही तो था, ये क्या दिया गया है भैया, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका जो ग्राफ बनता है ए है हमारा दीर्घवृत्त, और कहा इससे घिरे क्षेत्रफल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ए कहा गया है।
तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। आप इसका ग्राफ याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है, समीकरण है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक किसका समीकरण, दीर्घवृत्त का। दीर्घवृत्त कैसे बनता है इसको आप नोट कर लेंगे, ए दीर्घवृत्त ऐसे बनता है, थोड़ा अंडे आकार का बनता है दीर्घवृत्त। किस आकार का, अंडे आकार का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ए कामा जीरो, यहाँ पर आपका होता है जीरो ओ का लो ना। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है मेरे दोस्त कि इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जितना घिरा हुआ भाग है, इस घिरे हुए भाग का क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको आप नोट कर लो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और इज इक्वल टू वन। अगर हम यहाँ से कह दें, यहाँ से क्या कहते मेरे दोस्त, कि यदि आप इसको सही ढंग से लिखो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर बराबर का ए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, उधर जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस। अब देखो ये हो गया वाई स्क्वायर, अब ये बी स्क्वायर जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में मल्टीप्लाई करने लगेगा, यहाँ पर वन माइनस का एक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर कर दो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर हम वाई बराबर मान निकाले तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया। और इसको आप बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो आपको वाई बराबर फाइनली मिलेगा बी अपान का ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आपको यह मिल जाता है। फाइनल क्या मेरे दोस्त, फाइनल ये मिल जाता है। देखो y का मान हमने यहां से निकाल लिया, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हर वक्त y की हमको जरूरत पड़ रही है, तो हर कंडीशन में y की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमने उस समीकरण को लिखते ही y का मान निकाल लिया। हम आगे लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, एक खाना दूसरा खाना तीसरा खाना चौथा खाना, चार खाने हैं तो आगे चार, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर ए तक, तो जीरो से लेकर ए तक। एक्स अक्ष पे निकाल रहे हैं हम, एक्स अक्ष से ले रहे हैं एक्स अक्ष का, तो यहां पर वाई इंटू डी एक्स रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, उसके बाद हो जाएगा चार जीरो से ए, ए वाई की वैल्यू क्या है, बी अपान में ए अंडर रूट बी अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। हम क्या करते हैं, बी अपान का ए बाहर कर लेते हैं इंटू चार हो गया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अभी अभी मैंने इसका फार्मूला बताया हूँ, क्या बताया हूँ, एक्स बाई का टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान में ए होता है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर ए तक। जीरो वाला टर्म नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स रखोगे जीरो, यहाँ पर एक्स के स्थान पे जीरो, तो साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब जीरो रखने से सभी वैल्यू जीरो हो जा रही, तो केवल किसका लेकर चलेंगे, ए की वैल्यू लेकर चलेंगे। तो आपका हो जाएगा बी अपान का ए इंटू फोर, अगर आप ए की वैल्यू रख रहे हो तो यहाँ ए रख रहे हो ए बाई टू ए स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर के स्थान पे ए रखोगे तो एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाता है, जीरो, मतलब ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जीरो, फिर प्लस का। अब देखो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बटे में दो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कर दो, एक्स के स्थान पर ए है तो ए अपान में ए कर दो, एक्स के स्थान पर ए करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बी अपान का ए इंटू में चार गुड़े ए स्क्वायर बाई टू है ए स्क्वायर बटे में दो गुड़े में साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक बचेगा,
यहाँ दो से काट देंगे तो टू बचेगा, एक ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से एक ए से ए कैंसिल पूछा तो केवल आपको पहले ही से लिख लो, दो बचा है दो रहने दो, यहाँ पर एक ए से ए कैंसिल, एक ए है तो वन वन बचा है, ए बचा है, यहाँ पर बी है तो बी कर दूँ। और साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई टू होती है, क्या होती है पाई बाई टू होती है। तो आपको क्या मिल गया मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो यहां पर पाई बाई टू, ये दो से दो कैंसिल तो आ जाता है ए बी पाई आ जाता है, और इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई, ए बी पाई आ जाता है। देख लेते हैं क्या उत्तर सही दिया गया है, जी हाँ पाई ए बी या ए बी पाई, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप पाई ए बी भी लिख सकते हो, ए बी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है क्षेत्रफल से रिलेटेड, मैंने तीन प्रश्न बताया, तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और जितने भी प्रश्न है सब हलवा हलवा है, इससे हार्ड प्रश्न आपके इसमें है नहीं, और भी प्रश्न है आप उसको लगाएंगे प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे, ध्यान देना नहीं आएगा पूछ लेंगे, यदि आप सभी सवाल, लेकिन जैसे कि बहुत स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि हम सभी सवाल लगाएं, तो आप स्टडी पावर पॉइंट ऐप पे ज्वाइन होकर सभी सवाल, एक एक सवाल का वीडियोज आप देख सकते हो, क्या मेरे दोस्त, और सभी सब्जेक्ट का वीडियोज देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो इतनी सारी बातें थी मैंने आपको सिखाया बताया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज़ें किए, इसके पीछे मैं जितने भी लेक्चर लिया हूँ सभी जाकर देख लो, मैं आपको फिर से एक बार कह दे रहा हूँ, आपको सुनना है, यदि आपको लगता है सही बात है तो ठीक फॉलो करो, नहीं लगता बिल्कुल फॉलो मत करो, एक भी परसेंट का मैं प्रेशर आपको नहीं दे रहा हूँ, आपका मन है तो आप इसको पढ़ना, नहीं मन है तो मत पढ़ना, अपने हिसाब से चलना, सबको अपना लाइफ है, सबकी नहीं कहते माई लाइफ माई रूल, उसी प्रकार से आपकी लाइफ है तो रूल भी आपका होना चाहिए, मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ, यदि आप कहीं से भी पढ़ते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से ही पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन मेरे दोस्त एक से लेकर सात चैप्टर तक आप जरूर पढ़ लेना, यदि आप पास होना चाहते हो या 50 में 50 लाना चाहते हो, यह दोनों स्टूडेंट के लिए है, और जिनका बैक लगा है वह भी स्टूडेंट इसको पढ़ लेगा, एक से लेकर सात चैप्टर तक वह सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे जो सेकंड में है, सेकंड सेमेस्टर यदि आपका है तो आप इसको सात चैप्टर आप पढ़ लो, आप नहीं पढ़ोगे रिजल्ट के बाद मेरी बातें आपको जरूर याद होंगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भरोसा ना हो पेपर उठाकर पीछे का देख लो, खुद मालूम चल जाएगा तो चीज़ें कैसे फॉलो हो रही है। तो बस थैंक यू, आई लव यू, तो मेरे दोस्त मैं रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, जो भी डाउट रहा कहिए कमेंट में आप जरूर बता दीजिए कीजिए, या किसी भी सोशल मीडिया से आप हमको कमेंट करके या किसी भी तरीके से हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको सवाल का जवाब मैं पूरी तरीके से देने का प्रयास करूंगा, 24 घंटे आपके साथ हूँ, और एग्जाम के समय भी मैं रहूंगा केवल आपके साथ, धन्यवाद।